नोएडा में पहली बार सरपंच बनी हूँ। आपके कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह ने गांव में आके पब्लिकली धमकाया है कि एक सरपंच की वैल्यू तभी होती है जब डीडी और एसपी उसकी सुनता है, अगर नहीं सुनता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो उन्होंने सरेआम कहा ये, और हमारे जीतते ही उन्होंने हमारे 13,000 की आबादी का लगभग गाँव है, उन्होंने हमसे हमारी एम्बुलेंस छीन ली। अधिकारी बैठे ये तो हमारे डीडी के सारे बैठे हैं भाई, एक बार खड़े होकर तामी बता दो कि तारी नौकरी करने के पहले करीब में क्या फर्क है एक साथ में। मैं कहूंगा मेरा मुंह थोड़ी तामी लगा के जाके है। अब देखो वो भी तामी चुने होंगे रानी तो रानी क्या है, अभी हमने वोट नहीं दिया उनको, उसका इलाज मैं भी करूंगा। वो तो मेरे कुलीग है, वो तो आपने देखा वो है कि आपके आपसी राजनीतिक दबेश का होगा, जिसको मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आश्वासन करना देना चाहता हूँ आपको, आप काम के सर पर खड़ोगे जी, सुनिए आपके अधिकारी बैठे हैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, आपकी जो मांगे होंगे आपके जो काम होंगे मैं वादा करके जाऊँ उनको पुराने काम बैठे। बेशर्मी की वजह से जनता का विश्वास हो रहा है, तो पसीने पसीने हो रहे हैं, तोड़ा क्या क्यों बुलाया तेरी? जवाब तो कोई नहीं, कोई नहीं, यही तो बीमारी है, इन के लोगों की वजह से ये विश्वास खत्म हो रहा है। आप उसको बुला के उससे संबंधित जो एजेंसी है, ये समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे कुट्टू आना का मंडी का बढ़ गया सारा है, मैंने वो बंद करा दी एक जगह उम्मीदी में शिफ्ट करने की, क्योंकि उसके लोग वो डंडा लेके खड़े हैं, जड़े पड़े थी पशु सड़ लाग जाने का मन बढ़ गया सर में पड़े हो। तो भाई इसके लिए नई टेक्नोलॉजी आई है, आदेश देने लगे मोदी साहब, अगले समय में मैं भी आपकी मदद करूंगा, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अंडरग्राउंड बढ़ता है और उसमें समय नहीं होती है, उसमें कुछ ऐसा आजकल मशीन में नई टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक वाली है ना, उसको मंगा के आगे जितने का प्रपोजल बनवा के भिजवाने का काम, ये सुधार दो, इसमें हम सहयोग करो, हर चीज का समाधान है, दो दिन आगे पर्चा हो जाएगी, हर भाई जो है किनकी मार दे रहे 60 साल तो उस बदबू में जाकर 60 साल उसे बदबू में रहो, या भी गाड़ी देख आज अगर हम भी उसमें इंप्रूव करें, मेरी इच्छा है काम करने की, जो पसीने नहीं होते मार दे कैमरे बिना रोक दिया है, मैं अपने सच्चे दाल दीवने के साथ बैठ के फोटो खींच के दीवने के बैठ के फोटो देता हूँ, राय देता हूँ महान आकर देता मेरे कैमरे पड़ा था पड़ा था तेरे बताओ तो मैं पढ़ता हूँ कुछ नहीं पढ़ता, आपको इज्जत देने चाहता हूँ मैं, आपसे मैं काम करवाना चाहता हूँ, मैं मेरे परिवार को मेरे साथ लेके चलना चाहता हूँ, यही मेरा कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं भाई। मंत्री सुझाव आए कुछ जो हमारे हम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से काम करना चाहते हैं उस पर कुछ लोगों की आपत्ति है, वो लोग कहते हैं कि पहले मैनुअल काम होता था, मैनुअल काम में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, पैसे का दुरुपयोग होता था और उसमें एक बहुत सा ऐसा पैसा का भाग चला जाता था, आपने देखा होगा हमारे देश के बड़े नेताओं ने स्टेजों पर कहा कि हम ऊपर से पैसा भेजते हैं नीचे ग्राउंड से 15% या 25% भी नहीं लग पाता, जब हमारे पूरे के पूरा देश या प्रदेश की अगर मैं बात करूँ हर विभाग की बात करूँ और टेंडर प्रोसेस से हम जब डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं तो मेरा पंचायत विभाग पीछे क्यों, ये सरकार का फैसला जब मैं मिनिस्टर बना तब लिया जा चुका था और इसको आज सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ चुने प्रतिनिधियों से, भाई आप ये मत समझेंगे हमारी दो लाख ये पता नहीं एक भ्रम किस लोगों ने इनको कैसे मिसलीड कर रखा है क्या कर रखा है, या खुद नहीं इस बात को कुछ ही साथी है मेरे जो उसको समझना नहीं चाहते या उनको उतनी समझ में नहीं आ रही है, कोई 2 लाख नहीं हुआ है, अगर 1 रुपये से काम शुरू होता है या 1 लाख से शुरू होता है या 1 करोड़ से शुरू होता है, वो कितने भी करोड़ों का काम डेवलपमेंट का किसी भी विभाग के माध्यम से होता है वो सरपंच की निगरानी में होगा, क्योंकि सरपंच ही हमारा जो चुने हुआ प्रतिनिधि है उसका अधिकार क्षेत्र है कि वो सारे के साथ, हाँ सिर्फ इतना है कि जो एक ठेकेदारी प्रथा सी जो राजनीति में घुस गई थी, जहाँ यहाँ मैंने महसूस किया कि हर जगह जिलों में गया 2-3 जिलों के बाद इक्का दुक्का 10-20 लोगों की एक भावना सी आ रही थी कि भाई साहब
आप इसको एकदम से कैसे लागू कर दिया, हमारे पे विश्वास नहीं। बात बेविश्वास विश्वास की नहीं है, बात एक इम्प्रूवमेंट की है। आज रेट इंक्रीज हुए हैं, आप इंजीनियरिंग हमारे जो टेंडरिंग के माध्यम से हमारे इंजीनियरिंग पोर्टल में हमने जो रेट अदर्श डिपार्टमेंट के उस रेट हमारे पंचायत डिपार्टमेंट को मिलेंगे, मटेरियल में क्वालिटी में इम्प्रूव आएगा और एक गुणवत्ता के साथ हम समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट गांव के अंदर ले जा पाने में कामयाब रहेंगे। और इनका सहयोग मैं मांगने आया हूँ और मुझे लगता है कि बहुत 90-95% लोग इसमें सहयोग करेंगे। पिछले कई दिनों से बदली की लोकप्रियता है, विरोध जो जैसा कई जगह देखने को मिलता है, कोई लॉबी काम कर रही है? देखिएगा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो कौन लॉबी, वो क्या करना चाहते हैं, मैं सेवा के लिए आया हूँ और सेवा कर रहा हूँ, ईमानदार से अपने पद पर हूँ, पसीना बहा रहा हूँ। लोग पॉलिटिकल जो पद होते हैं इनको इंजॉय करते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर आप किसी काम पर बड़े हो, किसी काम की तरफ बड़े हो और उस पर अगर कहीं ना कहीं की आपत्ति नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर यहाँ कहीं विरोध आया तो इसका मतलब मैं बदलाव को की तरफ ले जा रहा हूँ, सिस्टम को मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और उससे हमारे प्रदेश को और हमारे चुने गाँव वासियों को, चुने जो अच्छे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। कई शिकायतें हैं, मैंने अफसरों को काफ़ी पहले से कुछों कभी भी दिमाग में कुछ थोड़ी थोड़ी, बाकी सारे अधिकारी लगभग काम में अब लग चुके हैं, एक आधा का थोड़ी मोटी दिमाग में चर्बी मैं निकालने का काम करूँगा, मैं उसको बख्शूंगा। किस धर्म में कोई कार्रवाई वगैरह होगी? किस धर्म में, चलो वो बात कर रहे थे, इसमें तो क्या कार्रवाई, इसमें थोड़ा उनको देखना चाहिए, अभी पब्लिक डीलिंग चल रही है, कोई मंत्री बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ उनसे मैंने को पूछनी चाहिए, कोई जवाब देने के लिए कोई डाटा की जरूरत पड़ जाती है, उनको सीरियस लेना चाहिए अपनी पोस्ट में। अधिकारियों के खिलाफ पहले भी कई बार इस तरह की शिकायतें वगैरह आती है, जैसे पहले भी यहाँ पे आपका जिला पूरा का पूरा एक दिन में नहीं गया था अंदर, आप ही का जिला था, उससे पहले किसी ने सख्त कार्रवाई की थी, उसके अंदर गमन हुए थे तभी तो उनके खिलाफ कार्रवाई, मेरा उनसे क्या विरोध बैर था, पलवल में हुई क्या मेरा विरोध बैर था, आज सरपंचों की फाइलें चल रही हैं, क्या मेरा उनसे विरोध बैर, मैं जानता भी नहीं वो कौन लोग हैं, शिकायत देने वाले भी आम जनता है या उसके सामने खड़े होने वाला उसका दूसरा हो सकता है पॉलिटिकल अराइवल हो, लेकिन हमने तो ये कहा कि इसकी जांच करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, अगर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई होगी, उस पैसे की रिकवरी होगी। फिर मैं आप लोगों के माध्यम से मेरे भाइयों को कहना चाहता हूँ, भाई जिसने विकास कराना है वो बबली के साथ जुड़ो, सरकार के साथ जुड़ो, मुख्यमंत्री जी जिस मंशा से जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहते हैं उसके हमारा साथ देते हुए अपने गाँव का विकास कराओ। आज पहली बार सरकार आपके बीच में आके बैठी है और ये आज दसवां दिन है मेरे को चलते हुए, आज 21वें जिले में मैं हूं।